हमारे अगले अतिथि जो हैं वो हैं भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के एक और फैन, हमारे साथ हैं श्री डॉक्टर पवन कुशवाहा। और बनारस में जो हैं ये अभी किरण संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एनजीओ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। विकलांग समाज के प्रति इनका आदर सम्मान और इनकी मनोदशा और भावना ये काबिले तारीफ है, लेकिन साथ ही साथ इनके बचपन का प्यार भी जो है वो भी कॉमिक्स है, और ये कॉमिक्स को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। और बातों ही बातों में हमें ये भी पता चला कि ये भी जो है दोबारा कॉमिक्स पढ़ना शुरू किए हैं लॉकडाउन के बाद से। आइए इनसे मिलते हैं। तो हम मिलेंगे पवन जी से और बात करेंगे कॉमिक्स की। पवन जी, आपका कॉमिक्स एनयू के सीजन 2 में अपना अमूल्य समय देने के लिए सबसे पहले आपका आभार। तथा हम जो है अभी एक ड्राइव पे निकले हुए हैं जिसे हम वॉकिनार का नाम दे रहे हैं। हम एक जनचेतना के अभियान पर हैं और हमें ये लोगों को बतानी पड़ रही है कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री दोबारा मार्केट में है, बिक रही हैं, और हमें जो है ऑफलाइन स्टोर्स अपने गली नुक्कड़ की दुकान पर फिर से वो कॉमिक्स बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। तो हम पवन जी से बात करेंगे, इनकी सोच के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में इसको एक बहुत अच्छा आप एक्सपोजर देने वाले हैं, क्योंकि आपके रिसर्च में ये चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड आपने की हैं कैसे इसकी अपकमिंग हो सकती है आने वाले समय में, और आपका एफर्ट नो डाउट बहुत ही अच्छा है। और रही बात कॉमिक्स से जुड़ने की बात, तो बचपन से ही हम लोग काफ़ी कॉमिक्स का शौक रहा था, लेकिन वही है कि समय के साथ साथ आगे जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए उसके साथ साथ फिर कॉमिक छूटती भी गई, फिर उसके बाद फिर प्रोफेशनली हम लोग एंगेज हो गए और फिर अपने पढ़ाई में वो गए, फिर जॉब वगैरह, फिर जैसा आपको पता ही है उसके बाद फिर जब हम लोग फ्री हुए लास्ट जो फर्स्ट हमारा लॉकडाउन था उसमें मुझे कुछ फ्रेंड्स ने मतलब कि PDF कॉमिक्स के भेजे थे, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जगा। फिर मेरे कुछ बचपन के फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे बेसिकली मोटिवेट किया और एक दो कॉमिक्स मुझे भेजी, तब मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ मिलती हैं और कैसे अवेलेबल हैं, तो मुझे उन्हीं के माध्यम से पता चला कि काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं। तो जैसा कि मेरा पहला प्यार तो ऐसे तो राज कॉमिक्स और मनोज कॉमिक्स ही था, लेकिन क्या है कि वो उसकी अवेलेबिलिटी उतनी नहीं थी, फिर मुझे एक दो साइट्स के बारे में पता चला, फिर मैंने वहाँ सर्च किया और मैंने फ़र्स्ट ऑर्डर अपना ऑनलाइन ही किया था। तो फर्स्ट टाइम बुक्स को हाथ में पाके ऐसा लगा जैसे कि पूरा बचपन वापस आ गया, क्योंकि नो डाउट अभी जैसा था कि पहले से और अभी में काफ़ी अंतर आ चुका है। कॉमिक्स अब उतनी ईजिली मिलती नहीं है और जो भी मिलती है वो बहुत कम मिलती है, और जैसे पहले था बचपन में हमारे घर के आसपास कई दुकानें होती थी, आसानी से मिल जाती थी, अगर पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए तो फिर हम किराए पे भी ले लेते थे, आसानी से वो मिल भी जाती थी। लेकिन फिर अभी जैसे मुझे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने बुक्स को पूरा पढ़ा तो ऐसा लगा कि फिर से वही बचपन जी लिया, तो काफ़ी मतलब कि अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद फिर मैंने और भी ऑनलाइन साइट थी जिससे मैंने देखा, फिर मैंने वहाँ से भी कुछ मंगाया, फिर धीरे 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 कारवां बढ़ता गया, और अभी टचून मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, 200-250 कॉमिक्स अभी हो चुकी हैं। ये एक उपलब्धि है, PDF से इन्होंने दोबारा अपना कॉमिक्स पढ़ना शुरू किया, हार्ड कॉपीज खरीदनी शुरू की, इन्होंने बात की कि दोबारा इनका संकलन बढ़ता गया, जो कि लॉकडाउन के दौरान 250 तक अभी पहुंच चुका है। हम पवन जी से इनके सुझाव मांगेंगे भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के लिए, अगर उनके कुछ सुझाव हैं वो ज़रूर से वो साझा करें। पवन जी, सबसे पहली बात तो अगर हमें अपनी कॉमिक्स इंडस्ट्री को सस्टेन करना है और आने वाले समय में बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले बात है कि कॉमिक्स की ईजिली अवेलेबिलिटी जो है आसानी से वो हर जगह मिल सकें, उससे फिर हमारे लोग जुड़ सकते हैं। अगर हम अपने आने वाली यूथ को या जनरेशन को जोड़ना भी चाहें तो प्रॉब्लम यह है कि अभी ये मोस्टली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही अवेलेबल हैं और दुकानों पर नहीं हैं, और अगर हम देते हैं तो कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि कॉमिक्स पढ़ना बच्चों की चीज़ें हैं या वो हैं, लेकिन कॉमिक्स में अगर देखा जाए तो जो कंटेंट होते काफ़ी अच्छे हैं और इंडियन कॉमिक्स के कंटेंट काफ़ी बेहतर हैं। मैं अगर अदर्स कॉमिक्सों से भी अगर तुलना करूँ तो हमारे जो कैरेक्टर हैं वो भी काफ़ी अच्छे और यूनिक हैं,
ये तो है कि हर एक के ऊपर पायरेसी का या उसका तगमा लगता रहता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हमारे जो सुपर हीरोज़ हैं, जो कॉमिक्स के हीरो हैं, वो लिटरली यूनिक हैं और अलग हैं, क्योंकि जो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हमारे दर्शक चाहते हैं या हमारा रीडर चाहता है, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं और वो कहीं ना कहीं अपने उस सुपर हीरो से कनेक्ट कर पाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा, और पवन जी का जो अभी पहनावा है वो कहीं ना कहीं एक हमारे सुपर हीरो से मिलता है। क्या आपके हथेली से सांप भी निकलते हैं? जी नहीं। मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में किसी और हस्ती के साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।